जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने ज्ञान ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा के कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बृहस्पतिवार 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। सुहागन औरतें इस व्रत को रखती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन पाने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही जो भी हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वट सावित्री की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, इसके साथ ही पूजा में कौन कौन सामग्री चाहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। अब बात करते हैं पूजा विधि के लिए, परंतु उससे पहले जानना जरूरी है कि व्रत में हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बरगद का वृक्ष ही चाहिए। अगर घर के आसपास बरगद का वृक्ष हो तो वहां जाकर पूजा कर लीजिए। अगर आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ या उसका शाखा घर पे ले आइए और उसे गमले में लगा दें और पूजा करके उसके अगले दिन सुबह उस पेड़ या उस डाली को किसी तालाब या कुएं में विसर्जित कर दें, ठीक है। इसके अलावा बरगद का फल चाहिए, ये ज़रूरी है। हमें इसी को खाकर या निगलकर व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है, तो सावित्री या सत्यवान की मूर्तियां या तस्वीर लानी होगी और एक दिन पहले काले चने भिगोकर रख दीजिएगा, क्योंकि ये काले चने प्रयोग किए जाते हैं। पूजा सामग्री में हमें जो चाहिए वो नोट कर लीजिए। पहला कलावा चाहिए, जिससे रक्षा सूत भी बोलते हैं। कच्चा सूत चाहिए, जिससे हम परिक्रमा करते हैं। अगर कच्चा सूत ना मिले तो कलावा से ही परिक्रमा कर सकते हैं। बांस का वेना चाहिए, यानी पंखा। अगर नहीं मिले तो साफ सुथरा पेपर का बना लें। एक छोटा टुकड़ा कपड़ा का चाहिए, लाल या पीला हो। कपड़े में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि साड़ी, तौलिया, गमछा, रुमाल, अस्तर, जैसे लाल अस्तर होते हैं ना ब्लाउज के, लाल या पीला आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमें पीले और लाल यानी कोई भी मिल जाए फूल चाहिए, पीले या लाल फूल ले ले। उसके बाद से हमें कुछ मिठाइयाँ चाहिए, मतलब जो भी आपका समर्थन हो, आप जितना जुटा सकते हो वही करिए। ज़्यादा मतलब वो परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है। पूजा मन से की जाती है, मन सही रहे तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो थोड़ी मिठाई ले ले, उसके बाद से लाल सिंदूर, पीला सिंदूर ले ले, अच्छा थोड़ी सी ले ले रोली। इसके अलावा पान के पत्ता ले ले, सुपारी, नारियल चाहिए, सिंगार सामग्री थोड़ा ले ले। उसके बाद हमें जल का एक कलश चाहिए और पूजा के थाली में सारे सामान एकत्रित करके रख लेना चाहिए। और आपका मन हो तो सावित्री व्रत की कथा का एक पुस्तक जरूर ले आएं। अगर पुस्तक नहीं मिले तो आ कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी कथा सुन सकती हैं। तो पूजा सामग्री तो अब हो गई, परंतु हमें अब चाहिए जल से भरा एक कलश, जिसे हम पीपल में अर्पित करते हैं। अब जल में हमें क्या क्या डालना चाहिए, तो एक पात्र लें, जैसे कि आप पात्र मतलब एक लोटा हो ले लें और उसमें थोड़ा सा दूध डालें, कच्चा दूध। उसके बाद से उसमें
शहद डालें, शहद ना हो तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद आप गंगा जल से उस पात्र को पूरा भर दीजिए। इस जल से हम बरगद के पेड़ को सींचते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री के दिन आप सुबह जल्दी से उठ जाइए, परंतु मतलब प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। उसके बाद उसमें जल्दी इसीलिए उठना है कि उस दिन हमको 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। तो जब हम जल्दी उठेंगे तो 16 श्रृंगार आराम से कर लेंगे। तो आपको उस दिन 16 श्रृंगार करके साड़ी पहन लीजिए, मतलब कोई या नई साड़ी हो लाल कलर में या पीले कलर में तो आप पहन सकती हैं, और कोई अगर नहीं है नई साड़ी तो आप पुरानी भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि धुल कर साफ उफ करके रखी हैं उसको भी आप यूज कर सकती हैं। इसमें वो कोई नहीं है कि आप नई पहनेंगी तभी पूजा होगा। उसके बाद से आप बरगद के वृक्ष के पास पूजा की सारी सामग्री लेकर चले जाइए। उसके बाद जाकर वहाँ सबसे पहले वट वृक्ष को आप प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद आप जो घर से आयपन बनाकर ले गए हों, जैसे कि चावल और हल्दी के आयपन बनता है, उसे आप अपने पांचों फिंगर उसमें डुबाकर उस पर 5 जगह छप्पा मारिए। यानी आपको छप्पा नहीं मारना है तो आप टीका भी कर सकती हैं 5 जगह। और आप नहीं बनाकर ले गई हैं तो आप हल्दी कि घोल बनाएं, हल्दी शुभ होता है, और उसे आप टीका लगा दें। उसके बाद से टीका लगाने के बाद आपको पूरे अच्छे से बरगद वृक्ष का पूजा करना है। उसके बाद वहाँ पे सावित्री और सत्यवान की मूर्तियाँ रखनी है, और बरगद वृक्ष में मतलब पूजा पाठ करने के बाद जो वस्त्र ले गए उस वहाँ पे रख दें। और जैसे बरगद का पूजा किए वैसे आप सावित्री सत्यवान का पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप अच्छे से, जैसे मतलब घर पे पूजा किया जाता है हर चीज़ में भोग लगाइए, स्नान कराइए, जैसे आपके मन हो वैसे अच्छे से सारे सामग्री से पूजा पाठ कर लीजिए। भोग लगाने के लिए रख दीजिए, थोड़ा सा जल रख दीजिए। उसके बाद आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने से पहले पूजा करने के बाद थोड़ा थोड़ा आप पंखे से वट का वृक्ष को जड़ में हवा देना है, तो आप पंखे से हवा दीजिए। उसके बाद वो पंखा वहाँ रख दीजिए। रखने के बाद आप परिक्रमा करिए, परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद जो जिस चीज़ से परिक्रमा आप कर रही हैं उस चीज़ को जब परिक्रमा ख़त्म हो जाए, तो परिक्रमा ख़त्म होने के बाद सारा सामग्री वहाँ रहने दीजिए। आरती करिए। आरती करने के बाद अपने मन में जो कामना है उसे बोलिए और आशीर्वाद लीजिए, और ये गोहराते रहिए कि मतलब हमें मतलब अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। और आपको पूजा पाठ समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है, जो पंखा वहाँ पे वट वृक्ष के पास हवा दी है उसको दान कर देना है किसी को, यानी दे देना है। और जो आप परिक्रमा की हैं जिससे सामग्री से, उस सामग्री को भी दान में दे देना है, आपको यूज नहीं करना है तो उसको भी दान में दे दीजिए। उसके बाद वहाँ पे जितने बड़े आपसे बड़े हो लोग हैं, आप जिसे आप पहचानती हो जो बड़े आपसे हैं, उनका पैर छूइए। पैर छूने के बाद जो वहाँ पे भोग लगाई है वो घर ले आइए, और घर में सारे लोगों को उस भोग को प्रसाद में आप बांट सकती हैं। प्रसाद बांटने के बाद वहाँ से जो एक पंखा लाई है एक तो वहाँ पे चढ़ जाता है और किसी को दिया जाता है, और जब दूसरा जो पंखा है वो घर पर लाइए और अपने पति को उस पंखे से हवा दीजिए, और पति का पैर दबाइए, पांव छू लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो ये व्रत, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि हम ये निर्जला व्रत रहें या ऐसे ही रह जाएं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप पूजा पाठ के बाद अगर आप बीमार रहती हो, आपके छोटे बच्चे हो, तो आप जल ले सकती हैं। अगर नहीं आप स्वस्थ हैं तो आप निर्जला व्रत रखिए। उसके बाद इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं कि हम निर्जला नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे वैसे आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो आप अच्छे से पूजा पाठ करिए, और उसके बाद सुबह पूजा के अगले सुबह जो बरगद का पेड़ पूजा का अगले सुबह आपको बरगद का जो फल लाई है उसके आप निगल कर
आप व्रत अपना खोल सकती हैं। तो ये रहा आपका पूजा विधि, कैसे पूजा करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।